हेलो स्टूडेंट्स, मैं अर्चना खंडेलवाल। पिछले वीडियो में हमने सेल्फ प्रोजेक्शंस के बारे में पढ़ा था। तीन तरह के मैंने आपको बताए थे, सॉरी दो तरह के मैंने आपको पढ़ने थे जो एग्ज़ाम में, फिम्ब्री और फ्लैजिला आपको बताए थे। और उनके मूवमेंट्स मैंने आपको तीन तरह के बताए थे, फ्लैजिलर मूवमेंट, स्पायरोकेटियल मूवमेंट और ग्लाइडिंग मूवमेंट्स मैंने आपको बताए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे सेल एनवलप। बैक्टीरिया के चारों तरफ साइटोप्लाज्म को कवर करके रखता है सेल एनवलप। तो एक टिपिकल बैक्टीरिया में जो उसकी आउटर लेयर होती है उसको आउटर लेयर होती है उसी को ही हम सेल एनवलप कहते हैं या कोशिका आवरण कहते हैं। तो जो कोशिका आवरण है मेनली वो दो कंपोनेंट्स से मिलकर के बना हुआ होता है, एक तो सेल वॉल से और दूसरा सेल मेम्ब्रेन से। ठीक है, तो यहाँ आज हम केवल सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि अपने को पता है कि जो बैक्टीरियाज हैं वो दो तरह के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो उनके दोनों की जो सेल वॉल होती है या जो उनके जो सेल एनवलप होते हैं उनके अंदर भी डिफरेंस होता है। तो हम ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल के बारे में अलग पढ़ेंगे और ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल के बारे में अलग पढ़ेंगे। ये सभी दोनों ही किस में आ जाते हैं, सेल वॉल के अंदर आ जाते हैं। तो जो सेल वॉल है वो प्रोक्यूरियोटिक सेल्स में का एक इंपॉर्टेंट करैक्टर होता है। माइकोप्लाज्मा और आर्किबैक्टीरिया के अंदर जो है सेल वॉल नहीं पाई जाती है, उसके अलावा सभी जो बैक्टीरियल सेल्स हैं उनके अंदर सेल वॉल पाई जाती है। तो सेल वॉल का क्या काम है, बेसिकली ये बैक्टीरिया को एक निश्चित शेप प्रदान करती हैं, दूसरी बात ये इसकी ऑस्मोलाइसिस से सुरक्षा करती हैं, तीसरी बात जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं उनसे भी ये बैक्टीरिया की सुरक्षा करती हैं, और ये जो सेल वॉल है ये डिफरेंट एंटीबायोटिक्स के लिए एक्शन साइट भी ये होते हैं। इसके अलावा सेल वॉल के जो विशिष्ट कंपोनेंट्स होते हैं उसकी वजह से इनके अंदर पैथोजेनेसिटी का जो करैक्टर है वो भी विकसित हो जाता है। तो कोई भी बैक्टीरियल सेल ग्राम पॉजिटिव होती है या ग्राम नेगेटिव होती है, इसको हम ग्राम स्टेनिंग के द्वारा डिसाइड करते हैं कि कौन सी वाली सेल ग्राम पॉजिटिव है और कौन सी वाली ग्राम नेगेटिव है। तो डिफरेंस क्या होता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सेल में, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो थिक होती है, 20-80 nm थिक होती है, और जो कि थिक किसकी वजह से होती है, इसमें पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन का एक होमोजीनस लेयर जो है इसके अंदर पाया जाता है। जबकि दूसरी तरफ जो नेगेटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसकी भित्ति जो है वो कॉम्प्लेक्स होती है, और इसमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर है वो केवल 1-3 nm थिकनेस की ही होती है, और उसके बाहर जो है आउटर मेम्ब्रेन जो है पाई जाती है वो 7-8 nm थिक होती है। यदि हम डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन बैक्टीरिया के ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल का देखें तो हम देखते हैं कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सेल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों के अंदर ही पाई जाएगी और एक जैसी पाई जाती है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पर है, पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर जो है वो काफ़ी थिक होती है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर है ये काफ़ी थिन होती है। लेकिन इसके साथ साथ इसमें क्या पाई जाती है, एक आउटर मेम्ब्रेन जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाई जाती है जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर पेरीप्लाज्मिक स्पेस जो है वो भी इसके अंदर पाया जाता है। तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो प्लाज्मा झिल्ली होती है जो सेल वॉल के मध्य एक स्पेस प्रेजेंट होता है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होता है जिसको कि हम क्या कहते हैं, पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। तो ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस के अंदर ही जो पेप्टिडोग्लाइकेन है उसकी एक लूज नेटवर्क जो है इसके अंदर भरा हुआ होता है। तो यदि सेल वॉल की जो सेल वॉल को कि सेल वॉल जो होती है उसको यदि सावधानीपूर्वक हटा दें तो जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस में जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और जो प्रोटीन्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं जिनका कि हम आसानी से स्टडी कर सकते हैं। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के इस पेरीप्लाज्मिक स्पेस में
हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, फास्फोराइलेटेड मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, एंड पदार्थों को कैरी करने के लिए कैरियर मॉलिक्यूल्स जो हैं इसके अंदर पाए जाते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में भी पेरिप्लाज्मिक स्पेस पाया जाता है, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के कंपेरिजन में ये बहुत छोटा होता है और इसमें एक्सोजाइम्स जो हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, कि पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर जो है ग्राम पॉजिटिव में काफ़ी थिक होती है, ग्राम नेगेटिव में काफ़ी थिन होती है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेरिप्लाज्मिक स्पेस पाया जाता है जिसमें कि डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उसके अंदर भरे हुए होते हैं, एंजाइम्स इसके अंदर होते हैं, जबकि इसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन की थिक लेयर जो है वो पाई जाती है। नाउ पेप्टिडोग्लाइकेन कैसा होता है, किस तरह की जो है संरचना उसकी बनी हुई होती है। पेप्टिडोग्लाइकेन को हम म्यूरिन भी कह सकते हैं, म्यूकोपेप्टाइड्स भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये ग्लूकोज की जो पॉलीमर यूनिट्स हैं उनके द्वारा ये बना हुआ होता है। इसमें कई सारे सब यूनिट्स जो हैं आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होते हैं। तो इस पॉलीमर के अंदर दो मेनली डेरिवेटिव्स पाए जाते हैं, एक तो एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन जिसको शॉर्ट में नाम कहा जाता है, और एक है एन एसिटाइल नाग कहा जाता है ग्लूकोज अमीन, और एक है एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड जिसको कि शॉर्ट में नाम कहा जाता है, नाग और नाम कहा जाता है शॉर्ट में इनको। ये तो इस तरह से ये जो एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन है और जो एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड्स हैं ये एक दूसरे से बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, डाइपेप्टाइड बॉन्ड्स के द्वारा ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर में ये एकांतरित रूप से या अल्टरनेट रूप से एक के बाद एक आते हैं। मीन्स एक बार नाम आएगा, दूसरी बार नाग आएगा, एक बार नाम आएगा फिर नाग आएगा, इस तरह से ये अल्टरनेटली एक दूसरे से ये जुड़े हुए एकांतरित रूप में एक दूसरे से अरेंज रहते हैं। तो जो नाम है वो एक जो नाम है वो दूसरे नाम के द्वारा जो है पॉली टेट्रा पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। किसके द्वारा जुड़ा हुआ होता है, बीटा 1,4 पेट्रा टेट्रा पेप्टाइड के द्वारा ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। बीटा 1,4 टेट्रा पेप्टाइड का क्या मतलब होता है कि इनके अंदर जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनकी संख्या 4 होती है। तो अमीनो एसिड्स जो है इनके अंदर कौन कौन से अमीनो एसिड्स हो सकते हैं, जैसे कि इसके अंदर ग्लूटामिक एसिड पाया जाता है, डी एलानिन इसके अंदर होता है, एम डाई अमीनो पामेलिक एसिड भी इनके अंदर पाया जाता है, और डी और एल अमीनो एसिड्स जो हैं वो इनके अंदर पाए जाते हैं। तो बेसिकली इनके अंदर 4 जो बीटा 1,4 टेट्रा पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं उनके अंदर 4 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, लाइसिन ग्लूटामिक एसिड इसके अंदर पाया जाता है, डी और एल एलानिन पाया जाता है, और लाइसिन पाया जाता है। इसमें जो तीसरे नंबर का जो अमीनो एसिड होता है एलानिन, केवल वहीं से ही किसी भी दूसरे एलानिन दूसरे जो अमीनो एसिड है उसको प्रतिस्थापित हम कर सकते हैं। मीन्स तीसरे नंबर का जो है उस पर ही चेंजेस जो हैं वो इसके अंदर आ सकते हैं। तो सामान्यतः जो डी एलानिन होता है उसका जो COOH समूह होता है वो डाई अमीनो पामेटिक एसिड के COOH ग्रुप का जो NH2 ग्रुप होता है उसके द्वारा आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। तो इस बंधन के अंदर जो पेप्टाइड इंटरब्रिज जो है वो इसमें काम में आता है, और इस तरह से आपस में संयोजित होकर के पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर का एक सघन जाल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको इसमें बताया है पेप्टिडोग्लाइकेन के अंदर मेनली 4 अमीनो एसिड्स जो हैं पाए जाते हैं। टेट्रा पेप्टाइड बॉन्ड किसका बना हुआ होता है, 4 अमीनो एसिड्स का पेप्टाइड बॉन्ड बना होता है, जिसमें तीसरे नंबर का जो अमीनो एसिड है उस पर चेंज होता है। नाम और नाग जो है वो एक दूसरे से डाइपेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, और एक नाम जो दूसरे लाइन की पेप्टाइड बॉन्ड से उसमें टेट्रा पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा ये जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, एंड एक जो ग्लूकोज अमीन या नाग है वो दूसरे जो टेट्राइड अमीनो ब्रिज से
पेंटाग्लाइसिन बॉन्ड के द्वारा आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। तो इस तरह से टेट्रापेप्टाइड बॉन्ड है और पेंटाग्लाइसिन बॉन्ड जो है आपस में मिलकर के एक सघन जाल जो है ने पेप्टोडाइग्लाइकेन के अंदर बना देते हैं। तो मेनली पेप्टिडोग्लाइकेन के किसके की मेनली क्या यूनिट्स हो गई, नाम होता है, नाग होता है, टेट्रापेप्टाइड बॉन्ड्स पाए जाते हैं जिसमें अमीनो एसिड्स जो हैं कम से कम चार तरह के अमीनो एसिड्स जो हैं पाए जाते हैं। इसके अलावा डाई अमीनोपामिटिक एसिड भी इसके अंदर पाया जाता है। प्रतिस्थापन होता है हमेशा तीसरे नंबर का जो टेट्रा अमीनो एसिड होता है वहाँ से इसका प्रतिस्थापन होता है और इस बॉन्ड को जो एक से दूसरी तरफ जुड़े हुए होते हैं उसको हम बीटा 14 टेट्रापेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। और बीटा टेट्रापेप्टाइड बॉन्ड जो है दूसरे जो बॉन्ड्स जो होते हैं उससे पेंटाग्लाइसिन इंटरब्रिज बॉन्ड के द्वारा ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। नाउ ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होती है उसकी संरचना कैसी होती है, मींस क्या होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसमें पेप्टिडोग्लाइकेन के कई सारी लेयर्स उपस्थित होती हैं जो कि पार श्रृंखलाओं और क्रॉस ब्रिजेस के द्वारा आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं। मैंने आपको बताया टेट्रा ब्रिजेस पाए जाते हैं, पेंटाग्लाइसिन ब्रिज जो है वो इसके अंदर पाए जाते हैं। तो पेप्टिडोग्लाइकेन की जो सेल वॉल है उसका जो शुष्क भार है वो 40-90% भाग बनाती है। इसके अलावा अलग अलग तरह की जो स्पीशीज होती हैं उनमें इनकी कोश सेल वॉल की जो थिकनेस है वो 8-30 nm तक हो सकती है। मीन्स वेरी करता है कि किस तरह की स्पीशी है। तो इस स्तर के कारण जो सेल वॉल है उसको दृढ़ता मिलती है। ज़्यादातर जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उसमें जो पेप्टिडोग्लाइकेन है वो टैकोइड एसिड या टैक यूरोनो एसिड अम्ल के साथ जुड़ा हुआ होता है जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि जो पेप्टिडोग्लाइकेन है किसके द्वारा जुड़ा हुआ है, या तो टैकोइक एसिड के द्वारा या फिर टैक यूरोनिक एसिड के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। ये जो टैकोइड एसिड होता है उसका नेचर जो है स्वभाव कैसा होता है, ये प्रत्यास होता है, हाइड्रोफिलिक होता है और एक ये लीनियर मॉलिक्यूल होता है। तो इसकी वजह से हम ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होता है उसकी पहचान हम कर सकते हैं। नाउ ये जो टैकोइड एसिड होता है वो या तो ग्लिसरॉल फॉस्फेट के रूप में मिलता है या रिबिटॉल फॉस्फेट के रूप में मिलता है, मीन्स ग्लिसरॉल या रिबिटॉल फॉस्फेट के रूप में ये प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से जो टैकोइक एसिड है वो वास्तव में क्या है, वो ग्लिसरॉल फॉस्फेट या फिर रिबिटॉल फॉस्फेट का मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, नाउ टैकोइड एसिड जो है वो तीन तरह का हो सकता है, एक तो रिबिटॉल टैकोइड एसिड, दूसरा ग्लिसरॉल टैकोइड एसिड, तीसरा है ग्लूकोसिल ग्लिसरॉल फॉस्फेट टैकोइड एसिड। जो रिबिटॉल टैकोइड एसिड है ये एस ऑरियस और एस सबटिलिस में पाया जाता है, ग्लिसरॉल टैकोइड एसिड ये बी सबटिलिस के अंदर पाया जाता है, ग्लूकोसिल ग्लिसरॉल फॉस्फेट जो है ये बी लाइकेनिफॉर्मिस टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। तो इन तीनों ही तरह के टैकोइड एसिड्स में से कोई एक तरह का ही टैकोइड एसिड जो है वो बैक्टीरिया के अंदर पाया, एक बैक्टीरिया के अंदर एक ही तरह का टैकोइड एसिड जो है वो पाया जाता है। और ये एसिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर के साथ में भी ये जुड़े हुए होते हैं। फॉस्फेट ग्रुप के द्वारा जो ऋण आवेश प्रदान किया जाता है वो जो पॉजिटिव आयंस की जो मूवमेंट्स हैं, जो गति है, उनको कंट्रोल करने का काम ये करता है। टैकोइड एसिड बैक्टीरियाज के अंदर ग्रोथ में सहायता करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा ये सेल वॉल के जो लाइसिस होने से भी रोकता है, मीन्स उसको नष्ट खत्म करने से भी ये पेप्टिडोग्लाइकेन टैकोइड एसिड जो है सेल वॉल को नष्ट होने से भी या डिस्ट्रॉय होने से या लाइसिस होने से भी इसको बचाता है। तो इसमें ही फॉस्फोरस का भी संग्रह होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको आज बताया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल कैसी होती है। थैंक यू।